फाइनली गाइज आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का जो है आप लोग पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर का जो स्क्रीन लॉक पासवर्ड होता है आज मैं जो है आप लोग को उसको चेंज करने के लिए जो है मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको जो कैसे चेंज करना है, क्या प्रोसेस है, सब पूरा डिटेल जो है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो लैपटॉप या कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको आ जाना अपने सेटिंग के अंदर। तो चलिए मैं जो है अपना सेटिंग खोल लेता हूँ। उसके लिए जो यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट का बटन देखने को मिल रहा होगा तो आपको जो स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जो है यहाँ पर आप लोग जो है अपना सेटिंग को कर लेना है सर्च। तो चलिए मैं जो अपना सेटिंग सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही सेटिंग को सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है आपका सेटिंग आ जाएगा। तो आपको जो है सेटिंग को कर लेना है ओपन। तो चलिए मैं जो है अपने सेटिंग को कर लेता हूँ ओपन। ताकि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सेटिंग है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को अकाउंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप लोग अकाउंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा तो आपको जो अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो चलिए मैं जो यहाँ पर अपने अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो अकाउंट्स का ऑप्शन जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो है आप लोगों को साइन इन ऑप्शन को जो है आप लोगों को खोज लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो साइन इन ऑप्शन है पर आप लोग देख सकते हैं हमारा साइनिंग ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा है। आपको जो है साइनिंग वाले ऑप्शन पर जो है आप लोगों को टैप कर लेना है। तो चलिए मैं जो अपना साइनिंग ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो साइनिंग ऑप्शन है वो खुल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आपको जो है अपना लैपटॉप या कंप्यूटर का अगर आप लोगों को पासवर्ड चेंज करना है तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा थर्ड नंबर पर पिन विंडोज हेल्प। यहाँ पर जो है आप लोगों को पिन विंडोज हेल्प पर जो है आप लोगों को कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपको वही आप लोगों को चेंज योर पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपको जो चेंज योर पिन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही चेंज योर पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको जो है पर आपको अपना जो ओल्ड पिन है जिससे जो है आप लोग अपना अभी लॉक स्क्रीन खोलते हैं आपको जो है यहाँ पर डाल देना। तो चलिए मैं जो है यहाँ पर अपना जो लॉक स्क्रीन है वो डाल देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं पर आप लोगों को सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको जो है नया पिन डालने का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो जो यहाँ पर जो भी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर का नया पासवर्ड रखना है वो जो यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो यहाँ पर अपना नया पिन जो है इंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कन्फर्म पिन कर देना है। यहाँ पर जो आप लोग को जो है कन्फर्म पिन पर ऑप्शन पर क्लिक कर आपको जो है अपना जो पासवर्ड डाले हैं उसको जो आप लोगों को फिर से लिख लेना है। चलिए मैं जो यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। जो है यहाँ पर आप लोगों को ओके का बटन देखने को मिल रहा होगा तो आपको जो यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है लैपटॉप या कंप्यूटर का जो है पासवर्ड जो है बिल्कुल आपका जो है चेंज हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज हो चुका है। इजीली तरीका से आप लोग देख सकते हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर का जो है पासवर्ड चेंज हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज मैं आप लोगों को बताया कि आप लोग भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद जय भारत।